पंजाब गुरु देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ डॉक्टर जिंदर सिंह। पंजाब में कोरोना नाल मरने वाले की लड़ी की गिनती बढ़ती जा रही है। लंघे दिन दो बुजुर्गों की एक अमृतसर से एक पठानकोट से मौत हुई थी, जबकि एक औरत की जलंधर में मौत हुई थी। एक हफ्ते में राज्य में 22 मौत हो चुकी हैं। कुल मरने वाले की गिनती 74 तक पहुँच गई है। इकल्ले अमृतसर में ही कोरोना नाल हुण तक मरने वाले की गिनती 21 तक पहुँच गई है। इन्हां विचों सिर्फ एक हफ्ते में ही 13 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान पठानकोट में भी एक 68 साल के मरीज की इलाज दौरान मौत हुई है। मौत तो बाद रिपोर्ट करने से ही वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बुजुर्ग पठानकोट के मोहल्ला सुंदर नगर का वसनीक सी अते कुछ दिन पहला ही उसनों हस्पताल में दाखिल करवाया गया सी। एतवार को पंजाब में 69 नवे मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते में राज्य में 523 केस दर्ज किए जा चुके हैं। बीते दिन संगरूर में सब तो वह 17, अमृतसर में 15, जलंधर में 13 केस दर्ज किए गए सन। फिरोजपुर के सिविल हस्पताल में आइसोलेट हुए 4 लोगों में 2 की एतवार को मौत हुई थी। उन्होंने लंबी बीमारी करके ही इतने दाखिल करवाया गया सी। दोनों के नमूने जांच लिए भेजे गए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस का कहर हुण रुकण का नाम ही नहीं लै रहा है। पंजाब में कोरोना वायरस का कहर रुकण का नाम नहीं लै रहा है। अज भी वख-वख जिलों में नवे मामले सामने आए हैं। जेकर गल अमृतसर के अजनाले की की जाए तो इतने भी BSF के 16 जवानों की रिपोर्ट अज करोना पॉजिटिव आई है। इसको लेकर सेहत विभाग से तसल्ली मच गई है। जानकारी मुताबिक BSF वालों इन्होंने जवानों को जलंधर के सेंटर से दाखिल करवाया गया है। सेहत विभाग के मुताबिक ये जवान जिस भी जिले न संबंधित हो गए उस जिले से उन्होंने केस में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अमृतसर से 6 होर व्यक्तियों की रिपोर्ट अज करोना पॉजिटिव आई है। अमृतसर जिले में कोविड के खात्मे लिए लोगों का साथ लैन के इरादे हुण जिला प्रशासन वालों हरेक घर का दरवाजा खड़काउण का फैसला भी किया गया है, जिसके चलदियां अज आंगनवाड़ी वर्करां का साथ लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शिव दुलाल सिंह ढिल्लों ने जिला समाजिक सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह पन्नू और आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर नूं अज रस्मी तौर पर मिशन फतेह बैज लगा के इस काम लई तोर दिता है। जी अपना तुम्हें पता ही है जी सारों अपन के जरा करोना के विरुद्ध जी जंग हैगी है वो सारी दुनिया के चल रही है। सारी मनुखता COVID-19 के इस हमले के अंदर हैगी है और इसके खिलाफ लड़ रही है। और पंजाब के जी मुहिम चलाई गई हैगी उसको मिशन फतेह नाम दिता गया। इस मिशन के तहत पंजाब के हर एक नागरिक हर एक रहन वाले बसंदे ने प्रण करना है कि असी करोना उत्ते या COVID-19 के उत्ते फतेह पानी है और साढ़े जोड़े अपने हौसले है उन्होंने पास नहीं हो देना उत्तर उन्होंने चर्बी कला के रखना है और इस जंग में जारी रखना है। इसके तहत जोड़े साढ़े फ्रंटलाइन वॉरियर है जेडे से जाके बिल्कुल जमीनी पद्धर के उत्ते इस लड़ाई के मोहरी होते कर रहे हैं। वो वक् वक् भावें सेहत महकमे के साथ डॉक्टर हैं जी नर्सिज हैं पैरामेडिकल स्टाफ है भावें साढ़े पुलिस कर्मचारी हैगी है जी भावें साढ़े म्यूनसिपल कारपोरेशन के कर्मचारी है भावें साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे है जी भावें साढ़े आंगनबाड़ी वर्कर हैं जी जेड़े भी साढ़े मतलब वर्कर फ्रंटलाइन पर होकर इस मुहिम के अगे मोहरी होकर इन लड़ाई में लड़ रहे हैं उन्होंने कोरोना वॉरियर का दर्जा दिता गया जी। जेकर गल जलंधर की की जाए तो जलंधर में भी कोरोना वायरस का कहर रुकन का नाम नहीं लै रहा है। जलंधर च भी अज नवे 8 मरीज आए हैं। इन्ह पॉजिटिव केसों में 4 पुलिस कामे हैं। इस ही हूँ तक जलंधर जिले से कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की गिनती 348 तक पहुँच गई है। जलंधर तो नरेंद्र गुप्ता के नाल ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टूडे।